खरगोन जिले के बड़वाह में कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आबकारी और वन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके पर बड़ी मात्रा में कच्ची शराब को नष्ट किया। बड़वाह क्षेत्र में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी एवं वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ग्राम पलासिया, लोहदरा, फालिया, कोदवार के जंगलों में अवैध शराब के अड्डों पर छापेमार कार्रवाई की है। मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही अलग अलग स्थानों से 130 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की है तथा लगभग 5,500 किलोग्राम महुआ लहान मौके पर ही नष्ट किया। आबकारी वृत्त बड़वाह में वन क्षेत्र में लगातार अवैध हाथभट्टी मदिरा के निर्माण की सूचना एवं शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उसी तारतम्य में आज श्रीमान सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी जी के निर्देशन में एक वृत्त बड़वाह एवं वृत्त सनावत की संयुक्त आबकारी दल द्वारा, जिसमें वन अमले का भी सहयोग लिया गया, एक संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें ग्राम कोदवार, रावत पलासिया, सुलगांव, मारूल आदि क्षेत्रों में कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें कुल 5,500 किलोग्राम महुआ लहान एवं 130 लीटर कच्चे हाथभट्टी मदिरा अलग अलग स्थानों से जब्त की गई, जिसमें कुल 6 प्रकरण पंजीबद्ध किए कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। जो आज कार्रवाई की गई है उसमें अवैध रूप से काटी गई सागौन की लकड़ियाँ, मदिरा निर्माण की सामग्री, अवैध हाथभट्टी मदिरा आदि बरामद किया गया। बड़वाह से वासित खान की रिपोर्ट।